नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष ब्लडमैन हरबंस सिंह सलूजा ने 36वीं बार रक्तदान कर इंसानियत की मिसाल पेश की है, देखिए। बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के संस्थापक और अध्यक्ष ब्लडमैन हरबंस सिंह सलूजा ने 36वीं बार रक्तदान किया और उन्होंने कहा कि संस्था द्वारा 10,500 यूनिट्स के लगभग रक्तदान विगत 12 वर्षों के काल में कराया जा चुका है। सिर्फ लॉकडाउन पीरियड में ही ब्लडमैन सलूजा द्वारा 700 यूनिट से भी अधिक रक्तदान, 9 रक्तदान शिविर के माध्यम से और रोजाना की जरूरत के हिसाब से 2 से 4 यूनिट रक्तदान करवा कर कराया गया। हरबंस सिंह सलूजा का मानना है कि मंजिलें इंतजार कर सकती है पर किसी की टूटती हुई सांसें नहीं। अगर समय रहते रक्तदान नहीं करेंगे तो कई मरीज की जान भी जा सकती है। एक पेशेंट रविंद्रनाथ ठाकुर के लिए हरबंस सिंह सलूजा ने और नितिन कश्यप ने रेड क्रॉस ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान किया। ब्लडमैन ने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, हमारे शरीर के अस्थि मज्जा में इसका उत्पादन होता है। दुर्घटना, थैलेसीमिया, रक्तापलता समेत कई आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए रक्त की जरूरत पड़ती है। दूसरों द्वारा किया गया रक्तदान ही इस जरूरत को पूरा करता है। रक्तदान के प्रति समाज में कई तरह की भ्रांतियां मौजूद है, इस कारण बहुत से लोग रक्तदान को आगे नहीं आते, पर कई लोग ऐसे भी हैं जो लोगों का जीवन बचाने के साथ साथ समाज को नई राह दिखाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। आज हमारे बीच बोकारो ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और संस्थापक श्री हरबंस सिंह सलूजा जी 36वीं बार रक्तदान करते हुए पूरे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और सलूजा जी और संस्था के द्वारा विगत 12 वर्षों में 10,500 यूनिट रक्तदान करा चुके हैं, इसलिए इन्हें मीडिया द्वारा ब्लडमैन की उपाधि दी गई है। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे एचबीएन न्यूज।